हेलो एवरीवन, आज मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ उसका नाम है लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। सबसे पहले कि लोकोमोशन होता क्या है। लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जैसे हम अपनी पैरों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह जो प्रोटोजोअंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास भी लोकोमोटर ऑर्गेनल्स होते हैं। लोकोमोटर ऑर्गेनल्स, इनको ऑर्गन्स नहीं बोला जाता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स हैं उनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये जो लोकोमोशन करते हैं प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चार तरह का लोकोमोशन ये करते हैं। शीरोपोडिया, फ्लैजेला, सीलिया, पेलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग शीरोपोडिया के बारे में आते हैं। शीरोपोडिया को फॉल्स फीट भी बोलते हैं। ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं। टेम्पररी मतलब उनको अगर लोकोमोशन करना है तो वो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है? स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग फ्लो से। अब ये जो शीरोपोडिया है इसे फिर से चार भागों में बांटा गया। एक और बात, ये जो शीरोपोडिया है ये सार्कोडिना में ज़्यादातर होता है। सार्कोडिना ये सुपर क्लास है प्रोटोजोआ का। अब शीरोपोडिया को उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर के बेसिस पे चार टाइप्स में बांटा गया है। लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिक्यूलोपोडिया एंड एक्सोपोडिया। सबसे पहले लोबोपोडिया। लोबोपोडिया जो होता है लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं ये राउंडेड होता है और ये एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म से मिलकर कंपोज्ड होकर बना हुआ रहता है। इसका एग्जांपल है, आप देख सकते हैं मैंने अमीबा बनाया हुआ है। फिलोपोडिया, फिलोपोडिया जो होता है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं ये ब्रांच्ड है और ये बेस पे, बेस के एकदम टिप एंड से हैंग करता है, फ्रीली हैंग करता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल है युगलाइफा, युगलाइफा में हम लोग इसको देख सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ एक्टोप्लाज्म से बना हुआ है। और मैंने बताया कि अमीबा जो है एक्टो और एंडोप्लाज्म दोनों से कंपोज्ड हुआ है। उसके बाद है रेटिक्यूलोपोडिया। रेटिक्यूलोपोडिया कॉमनली ग्लोबिजेरिना में पाया जाता है। ये भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, पर ये देख सकते हैं आप लोग कि ये चारों तरफ से रेटिक्यूलोपोडिया मौजूद है। ये ग्लोबिजेरिना जो है ये फोरामिनी फेरेंस है। और रेटिक्यूलोपोडिया को राइजोपोडिया और मिक्सोपोडिया भी बोलते हैं। एक्सोपोडिया, एक्सोपोडिया जो है इसका एग्जांपल है एक्टिनोफ्राइस। एक्टिनोफ्राइस में आप देख रहे हैं इसका जो शीरोपोडिया बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ज़रा सा भी कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट शीरोपोडिया होता है। ये सरफेस ऑफ द बॉडी से रेडिएट करता है, बॉडी के सरफेस से रेडिएट करता है। और ये हेलियोजोअंस, एक्टिनोफ्राइस जो है हेलियोजोअंस है। उसके बाद अब देखिए दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो है फ्लैजेला। फ्लैजेला थ्रेड लाइक एक धागे की तरह का प्रोजेक्शन होता है जो कि सेल सरफेस पे, जैसे मैंने यहाँ युगलिना का एग्जांपल दिया है। युगलिना के आप देख सकते हैं एक एंड पे किस तरह से थ्रेड लाइक एक सूता की तरह फ्लैजेला मौजूद है। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता कैसा, और ये जाहिर सी बात है फ्लैजेला है तो ये किस में पाया जाएगा? फ्लैजिलेट प्रोटोजोअंस में पाया जाता है। ये एक थ्रेड लाइक सरफेस है, ये मैंने बता दिया आपको। अब ये कंपोज्ड होता है, ये जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, अ टिपिकल फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ एन इलोंगेट स्टिफ एक्सियल फिलामेंट द एक्सोनिम। यानी फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो एक लंबा धागा के जैसा होता है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एक्सोनिम। ये पूरा पूरी जो स्ट्रक्चर है फ्लैजेला का, हम इसको द एक्सोनिम, इट मीन्स एक्सोनिम कह सकते हैं। अगर हम इसका TS काटे, यानी कि इसको इस तरह से काटे, फ्लैजेला को ऐसे अगर सेक्शन करें तो आप देख सकते हैं इसमें 9 लॉन्गिट्यूडनल पेरिफेरल फाइबर्स हैं। ये टोटल 9 होते हैं जो कि एक सिलेंडर का रूप लेते हैं जब मैं LS दिखाऊंगी।
और इसमें दो सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं। दो सेंट्रल फाइब्रिल को 9 लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रिल क्या करते हैं, कवर करते हैं। और ये जो 9 पेरिफेरल फाइबर, इसमें आप ये शॉर्ट आर्म्स देख सकते हैं, आर्म्स, ये आर्म्स 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स में मौजूद होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप तो जानते हैं, सेल की कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ये जो बेसल बॉडी है, अब कोई भी चीज़ ये जा करके अटैच्ड होगी, तो जो ये फ्लैजिला जहाँ पे अटैच्ड हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लिफेरोप्लास्ट और काइनेटोसोम। ये बेसल ग्रेन्यूल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट या फिर काइनेटोसोम भी कह सकते हैं। तो ये है दोस्तों फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। थर्ड लोकोमोटर ऑर्गेनल्स है सीलिया। सीलिया भी बिल्कुल फ्लैजेला की ही तरह का स्ट्रक्चर होता है, बट ये वाइब्रेटाइल, जैसे कि मैंने पैरामीशियम का एग्जांपल दिया है, ये कॉमनेस्ट एग्जांपल है। ये इसका जो क्लास होता है वो है सीलियाटा। जाहिर सी बात है सीलियाटा में ही सीलिया पाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरी बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे 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 छोटे, इसे ही हम सीलिया कहते हैं। सीलिया एक्टोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है, ये बहुत ही वाइब्रेटाइल होते हैं। और मैंने जो कॉमन ऑर्गेनल्स है लाइक माइक्रोन्यूक्लियस, इसमें पता होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं, ओरल ग्रूव, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि पानी को स्टोर करने में या कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। एक और बात, सीलिया ऑल ओवर बॉडी में पाया जाता है, और फ्लैजेला 1-2 एक या एक से ज़्यादा भी पाया जा सकता है। और अगर मैं सीलिया का TS या LS करूं तो ये बिल्कुल फ्लैजेला की ही तरह होता है। जैसे मैंने उसमें बताया था फ्लैजेला में कि 9 पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं जो कि 2 सेंट्रल फाइबर्स को सराउंड करते हैं, और जो 9 पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं उनमें शॉर्ट आर्म होता है। बिल्कुल इसी तरह सीलिया का भी स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं चौथा जो है हमारा लास्ट, पेलिक्युलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। पेलिक्युलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पेलिकल पे पाया जाएगा। पेलिकल किसको बोलते हैं, ये जो आउटर लाइन है इसको पेलिकल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल से हम लोग को समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। इन मैनी प्रोटोजोआ आर फाउंड द कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स इन पेलिकल और एक्टोप्लाज्म में ये मौजूद होते हैं। इनको मायोनीम्स भी कहा जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को मायोनीम्स भी कहते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं, ये रीजेस एंड ग्रूव्स के फॉर्म में होते हैं, जिस तरह से ये भी लोकोमोशन में मदद करते हैं। ये युगलीना, ट्रिपैनोसोमा और प्रोटोजोअंस में पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।